हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ गाइस, असम डायरेक्ट की तरफ से, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से जो ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का आया है, 12,600 पोस्ट आया असम की तरफ से। तो फाइनली लिंक एक्टिव हो चुका है आज से। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म था, मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ प्रोसेस कैसा है, आप लोग को कैसे आप लोग को अप्लाई करना होगा गाइस। तो इसीलिए गाइस वीडियो बने रहना एंड तक। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है अलग अलग से, आप जरूर वीडियो देख लेना गाइस। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन इसी तरफ हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में आप लोग को भी देखने को भी मिलते रहेगा, पुष्ट रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो गाइस वीडियो बिना तमस करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ऑनलाइन अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये है आप लोग का ग्रेड 3 का ऑनलाइन अप्लाई लिंक, और यहाँ पर आप लोग को ग्रेड 4 का ऑनलाइन अप्लाई लिंक ऑप्शन देने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन भी यहाँ पर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का अलग अलग से नोटिफिकेशन भी देने को मिलेगा। तो दोनों में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर ग्रेड 3 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस, मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ। उसका बाद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है गाइस, ग्रेड 4 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, जरूर वीडियो देख लेना। तो गाइस मैं आप लोगों को ग्रेड 3 अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ग्रेड 3 का मतलब होता है क्लास 12 का, क्लास 12 और क्लास 9 का लेवल, आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना गाइस। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मैं जैसे लिंक बॉटम पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया गया है देख सकते हो, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3 पोस्ट यहाँ पर देने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हो 4-4 यहाँ पर दिया गया। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले सिंपली से एप्लीकेशन फॉर्म बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करते ही गैस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ज्ञान से देख लेना गैस कैसे स्टेप है फॉलो, जिसे फॉलो स्टेप करो ऐसे आप लोग को करना होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, इसमें फोटो एंड सिग्नेचर साइज भी दिया गया, आप देख सकते हो 35x30 यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली से नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गैस। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गैस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपका मोबाइल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर देना होगा। यहाँ पर आप लोग को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप लोग को पटा डाल देना, आप अभी तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं बने तो जल्दी से जल्दी बना लेना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर आपको डाल देना, उसके बाद डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटक से डाल लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद सिंपली से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से इंटरफेस फिर से देने को मिलेगा गाइस। सो गाइस जैसे इस बटन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम मिसमैच इसमें बताया गया है, और यू आर नॉट रजिस्टर प्लीज रजिस्टर इसमें बताया गया। अगर इसमें अगर सेम इसी तरफ देखा है तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर देख लेना, इफ नॉट रजिस्टर क्लिक हेयर बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे इस बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर आपका फुल नेम आपका डाल देना, और यहाँ पर फादर नेम मदर नेम डाल देना, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, और यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी बटन पर सिंपली से क्लिक करके ओटीपी यहाँ पर डाल देना, उसके बाद ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। सारी वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस आपको भी आपके हिसाब से सारी वेरीफाई कर लेना। तो चलो गाइस मेरे हिसाब से मैं फटक से सारी वेरीफाई कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने मोबाइल नंबर सारी मैंने वेरीफाइड कर लिया, देख सकते हो ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते ही गाइस देख सकते हो इस तरफ सब लोग को फिर से कंप्लीट हो जाएगा गाइस। देख सकते हो फाइनली मेरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर भी देखने को मिलेगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, नाउ यू कैन फिल अप द फॉर्म, मतलब आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसमें बताया गया है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर दो पोस्ट का ऑप्शन देने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर देख सकते हो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3 पोस्ट, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर उसका मतलब ग्रेड 3 पोस्ट, यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट ऑप्शन देने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ग्रेड 3 पोस्ट आप लोग को कैसे फिलअप करना है। सिंपली से क्लिक हेयर बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसमें देने को मिलेगा, तो गया यहाँ पर आप लोग को सारी ऑप्शन देने को मिलेगा। तो सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली से
सो गाइस उसका बाद इस तरफ से इंटरफेस फिर से देने को मिलेगा। उसका बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। एप्लीकेशन फॉर्म बॉटम पर क्लिक करते गाइस फिर से पहले पेज पर पहले आ जाना है गाइस। उसका बाद नेक्स्ट बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपका डाउट क्लियर होने वाला है गाइस। उसका बाद यहाँ पर जो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डाला है तो आपको फिर से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डाल देना। उसका बाद यहाँ पर आपका जो आपने रजिस्टर आपने वेरीफाई किया आपने जब रजिस्टर किया है आपका मोबाइल नंबर इस पर डाल देना। उसका बाद नेक्स्ट बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटाक से डाल लेता हूँ गाइस। सो गाइस देख सकते हो तो फिर से मैंने डाल दिया। उसका बाद नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा गाइस। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देने को मिलेगा, तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है आप लोग को अच्छा से देख लेना गाइस। अगर एक बार सबमिट कर तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला गाइस, इसलिए आप लोग को ध्यान से देख लेना गाइस। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो बने रहना एंड तक। अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कैसे फिलअप करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो नंबर वन पर बैचलर डिग्री, आप अगर आप बैचलर डिग्री मतलब डिग्री पास है तो सिंपली से यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा, अगर सिक्स मंथ का कंप्यूटर अगर बैचलर डिग्री पास के साथ साथ आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट सिक्स महीना का अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नंबर सी पर बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर, अगर आपके पास इसमें है तो यस और नो कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के भी इसमें बताया गया है ड्यूरेशन स्टेनोग्राफर, तो मैंने नो कर दिया। यहाँ पर भी आप लोग को आप बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अगर है तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया गाइस। यहाँ पर फिर से देख सकते हो एसएस मतलब क्लास 12 कहा जाता है इसमें, क्लास 12 एग्जामिनेशन पास, अगर आप क्लास 12 एग्जाम पास है तो सिंपली से यस कर सकते हो और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने यस कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 जब सॉरी यहाँ पर नीचे वाला क्लास एसएससी साइंस एग्जाम, मतलब आप जब क्लास 12 आपने पढ़ाई किया है आप साइंस स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एसएसएलसी मतलब क्लास 10 पास इसमें बताया गया, अगर आप क्लास 10 पास के साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं नहीं हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। सो गाइस उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपका कैंडिडेट नेम फादर नेम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा गाइस, आपका जेंडर क्या है मेल एंड फीमेल जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है एससी एंड एसटी जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलो मैंने एसटी मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आर यू दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग पर्सन में बिलोंग करते हो तो यस और नो कर सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आर यू एक्स सर्विस में, अगर आप एक्स सर्विस में है तो सिंपली से यस और नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपका रिलीजियन सेलेक्ट करना होगा गाइस, आपका रिलीजियन क्या है जो भी आपका धर्म जाति यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर नहीं तो आदर्श बटन पर क्लिक करके आदर्श सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। सो गाइस उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री डाल देना। उसके बाद आपका सिटी विलेज टाउन डाल देना। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपका एरिया का पिन कोड नंबर पोस्ट ऑफिस का एरिया का पिन कोड नंबर सिक्स डिजिट का नंबर डाल देना गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डालना गाइस, असम में जितना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देने को मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ असम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो प्रेजेंट एड्रेस नॉट सेम विथ परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली से इस बटन पर चेकबॉक करके आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग से फिलअप कर सकते हो। चलो गाइस मेरा तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसलिए मैं चेकबॉक नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना, ये आधार नंबर डालना जरूरी है मैंडेटरी क्योंकि स्टारमार्क है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस सिंपली से। सो गाइस यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम देने के लिए इसमें प्रिफरेंस दिया गया, पर देख सकते हो तो प्रिफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर अपीयरिंग इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें बताए प्रिफरेंस वन प्रिफरेंस टू प्रिफरेंस थ्री करके आप जहाँ पे असम में जितना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑप्शन देने को मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप रिटर्न एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो। तो चलो गाइस एग्जाम सेंटर में यहाँ पर सारी आप लोग को देने को मिलेगा, तो जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर ले सकते हो। तो चलो गाइस मैं काचार में लेने जाता हूँ नंबर वन में, और यहाँ पर नंबर टू पे यहाँ पर आप लोग को जो भी कौन सी यहाँ पर जितना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो, तो यहाँ पर जितना एग्जाम सेंटर है यहाँ पर आप लोग को जो भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर अलग अलग से आप लोग को सेम आप लोग को भर नहीं सकता, अलग अलग से आप लोग को फिलअप करना होगा। तो चलो गाइस मैंने प्रिफरेंस वन प्रिफरेंस टू प्रिफरेंस थ्री करके मैं डाल लेता हूँ गाइस फटाक से, आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को डाल देना गाइस। तो चलो गाइस मैंने डाल दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें
क्वालिफिकेशन का डिटेल इसमें भरना होगा। इस क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर पहले आपको देख सकते हैं, इसमें क्लास 10 के यहाँ पर एसएसएलसी मतलब क्लास 10 का डिटेल, इस पर आपका मार्क ऑप्टेन कितना है क्लास 10 का, इस पर डाल देना गाइस। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क कितना है इस पर डाल देना, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, उसके बाद यार ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, और आपका जब आपने क्लास 10 पढ़ाई किया आपका स्कूल कॉलेज का नाम डाल सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड में आपने पास किया, सेबा बोर्ड है, एनआईओएस है, असम संस्कृत बोर्ड है, बहुत सारा है, आप लोग को पढ़ाएगा दोस्तों, आपको डाल देना। सेम इसी तरह क्लास 12 का भी यहाँ पर देखने को सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना, आपका स्ट्रीम क्या है आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस। सेम इसी तरह आपका मार्क ऑप्टेन कितना है इस पर डाल देना, उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल मार्क ऑप्टेन कितना है, टोटल मार्क कितना है, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, आपका जब आपने क्लास 12 पास किया क्लास आपका स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड में, असम हायर सेकेंडरी बोर्ड में पास किया था डाल सकते हैं, अदरवाइज एनआईओएस डाल सकते हैं। सेम इसी तरफ जो लोग ग्रेजुएशन डिग्री में डाला है यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके जो भी है आपको डाल सकते हो गाइस। सेम इसी तरफ आपको डाल देना गाइस। अगर इसमें कंप्यूटर डिग्री नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज है तो और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो इस पर भी आप डाल सकते हो। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर, फोटो साइज देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो साइज ऑफ फोटोग्राफ मस्ट बी लेस देन 35 KB अपलोड कर सकते हो, और सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हो लेस देन आप लोग को 30 KB। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर क्लिक हेयर बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करते ही गाइस जहाँ पे आपका फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको सब आपका फोटो सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरा फोटो में फटक से मेरा फोटो में अपलोड करके मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो आ चुका है। इस तरफ से सिंपली सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना गाइस। देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो आ चुका है। सेम इसी तरफ जैसे ऐसे फॉलो करो तो आप लोग को फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइस आपको भी आपको सबसे इस तरफ से फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना गाइस। सेम सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस, और जहां पे आपका सिग्नेचर साइज बना के आपको सिलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूं। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड हो चुका है। सेम इसी तरह फॉलो करो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना आपको भी आपको हिसाब से, और यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कर देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आई डिक्लेयर बटन पर सिंपली से चेकबॉक कर लेना गाइस। इस तरफ से चेकबॉक करने के बाद सिंपली से आप लोग को प्रीव्यू टू वेरीफाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो गाइस मेरे हिसाब से मैं फटक से सारी फिलअप कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने भर दिया गया। सारी भरने के बाद सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा, प्रीव्यू टू वेरीफाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे प्रीव्यू टू वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा गाइस। उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो ये फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देखना जरूरी है। तो चलो गाइस मेरा भी मेरा हिसाब से मैं फटाक से अच्छा से देख लेता है, आपको भी आपको हिसाब से अच्छा से देख लेना गाइस। सो गाइस अच्छा से चेक करने के बाद आप लोग को फिर से आप लोग को अगर एडिट करना चाहते हो जो भी गलत है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली से यहाँ पर देख सकते हो गाइस सिंपली से आप लोग को सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोग को लॉग इन करना गाइस। लॉग इन करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से सबमिट कर लेना। तो चलो गाइस मेरे हिसाब से मैं सबमिट कर लेता हूँ गाइस।